Hello students, I am Kumar Saurabh. Today I am making this video for class 9 students. The subject is information technology. In this video I will cover chapter 2, chapter 3 because chapter 1 I have already completed and you can find chapter 1 in my first video of class 9. Ye video aapko help karegi exam point of view se. क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं चैप्टर टू में चैप्टर थ्री में और क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब चीज़ मैं डिस्कस करूंगा इसी एक वीडियो में. सो स्टूडेंट्स गेट रेडी विथ पेन एंड पेपर. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा क्लास 9 का पहला वीडियो है वो आप एक बार जाके देख लें ताकि आपको क्लियर पता चले कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और क्या क्या पार्ट में डिवाइडेड है किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे. यस और इन चैप्टर्स में मैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा बिकॉज ये वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है थ्योरेटिकल एग्जाम से. सो स्टूडेंट्स गेट रेडी विथ पेन एंड पेपर एंड लेट अस स्टार्ट. सो एज यू कैन सी आई हैव जस्ट ओपन यूनिट 2 डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स. तो ये चैप्टर 2 है आपका. इस चैप्टर में आपको कीबोर्ड और उससे रिलेटेड चीज़ें जैसे कीबोर्ड पे टाइपिंग कैसे की जाती है हाउ यू कैन एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली टाइप जिससे कि आप टाइम बचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कम एफर्ट में ज़्यादा आप टाइप अच्छे से कर सकें. हम इसमें सीखेंगे कि कीबोर्ड में कितने अलग अलग टाइप के कीज़ होते हैं जो क्या अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. तो कीबोर्ड स्किलिंग के बारे में जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कीज़. टाइप ऑफ कीज़ में सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कीज़ आर अवेलेबल इन कीबोर्ड्स. सो पहला है अल्फा न्यूमेरिक कीज़. इसमें ए टू जेड और 0 to 9 नंबर्स होते हैं. इनको अल्फा न्यूमेरिक की अल्फा स्टैंड्स फॉर अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिकल कीज़. इसके बाद है पंचुएशन कीज़, अल्ट कीज़, एरो कीज़. ये सब के फंक्शंस आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे आपको बहुत आसानी होगी क्योंकि एक वीडियो में मैं तीनों चैप्टर के का से रिलेटेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ. तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी कि अगर मैं हर एक टॉपिक को अलग से एक्सप्लेन करूँ तो वो करना थोड़ा मुश्किल होगा. लेकिन ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि आप आराम से वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं कि स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है. ठीक है और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इसे और साथ साथ मैं आपको गाइड करता चल रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए. टाइप्स ऑफ कीज़ पे थे हम लोग. तो फर्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर टू का वो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कीज़. इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कितने टाइप ऑफ कीज़ होते हैं तो आपको पता रखना पड़ेगा नाम. जैसे अल्फा न्यूमेरिक कीज़ हो गया, पंचुएशन कीज़ हो गया. पंचुएशन कीज़ आप देख रहे हैं कौन कौन से टाइप के कीज़ को हम पंचुएशन की कहते हैं. फिर अल्ट की हो गया, अल्ट की का क्या नाम है और अल्ट की का फंक्शन क्या है, कैसे फंक्शन करता है वो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे. ठीक है ये इसको अल्टरनेट के लिए यूज़ किया जाता है. अल्ट की स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट की. ठीक है इसको सेकंड कंट्रोल की भी कहा जाता है. फिर एरो कीज़ आप जानते हैं, अप एरो, डाउन एरो एंड लेफ्ट एरो एंड राइट एरो. शिफ्ट और अल्ट कीज़, बैक स्पेस की, कैप्स लॉक की, कंट्रोल की, डिलीट की, इंटर और रिटर्न की, एस्केप की, फंक्शन की. तो ये चार पांच कीज़ के टाइप्स हैं. इसके बारे में आप पढ़ लें कि ये क्या क्या की है. जैसे फंक्शन की है तो फंक्शन की का हर एक फंक्शन की जो होता है जैसे F1 से F12 तक 12 फंक्शन कीज़ होते हैं और हर की का एक स्पेसिफिक टास्क होता है. जैसे F2 स्टैंड्स फॉर रीनेमिंग द फाइल और फोल्डर. F2 जो फंक्शन की है वो फाइल को या फोल्डर को रीनेम करने में यूज़ किया जाता है. F1 हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है. तो इस तरीके से हर फंक्शन की का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है. तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्क्रीन पे है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, सामने में लिखा हुआ है और आप इसको प्रिपेयर की कर सकते हैं. ये अच्छा टॉपिक है. इसके बाद न्यूमेरिक की पैड है अगला टॉपिक. इस टॉपिक में जैसे न्यूमेरिक कीपैड है तो ये न्यूमेरिक कीपैड हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमको एक अल्टरनेट वे देता है नंबर्स और ऑपरेशंस पे काम करने के लिए. जैसे अगर हमको टाइप करते टाइम नंबर्स और ऑपरेटर्स पे काम करना है कीबोर्ड से तो न्यूमेरिक कीबोर्ड एक कैलकुलेटर की तरह एक छोटे से स्पेस में सारे नंबर्स और ऑपरेशंस हमको प्रोवाइड कराता है जिसके कारण हम आसानी से न्यूमेरिक कीबोर्ड का यूज़ करके हम
नंबर्स और ऑपरेटर्स से रिलेटेड चीज़ों पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं। उसके बाद होम की, होम की क्या है, होम की अल्फ़ाबेट ASDF को होम की कहा जाता है। ये यहाँ होता है, ये देखिए, इसको होम की कहते हैं। जब आप टाइपिंग करते हैं तो जो आपके फिंगर्स होते हैं वो इन्हीं कीज़ पे रेस्ट करते हैं, तो इसलिए इनको होम कीज़ कहा जाता है। उसके बाद गाइड कीज़, गाइड कीज़ कौन कौन होते हैं, आपने देखा होगा कि लेटर F और J अगर आप ध्यान से कीबोर्ड को देखेंगे तो उसमें एक नॉच रहता है छोटा सा, तो वो बहुत हेल्प करता है ताकि आप विदाउट लुकिंग योर द कीबोर्ड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन यू पुट योर फिंगर ऑन योर कीबोर्ड एंड विदाउट लुकिंग द कीबोर्ड यू कैन अंडरस्टैंड दैट योर फिंगर्स आर एट करेक्ट प्लेस। ये हेल्प करता है हमें टच टाइपिंग में। सो दीज टू कीज आर गाइडिंग अस, दैट इज वाई दीज टू कीज आर कॉल्ड गाइडिंग कीज और गाइड कीज, F एंड J। सो नाउ लेट अस मूव टू अनदर, टाइपिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। अब ये स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा फिर से प्रैक्टिकल पार्ट हो गया कि आप टेक्स्ट कैसे डॉक्यूमेंट पे, यू ऑल नो कि क्लिक द लेटर्स ऑन द कीबोर्ड, जस्ट पहले कर्जर, माउस का कर्जर जहाँ से आपको टाइप करना शुरू करना है वहाँ पे लाना पड़ेगा, देन यू हैव टू स्टार्ट टाइपिंग तो द लेटर्स। और डिलीटिंग के लिए दो कीज़ हैं हमारे पास, एक है बैक स्पेस की, एक है डिलीट की। बैक स्पेस की से हम जो लेफ्ट हैंड साइड के कैरेक्टर्स हैं कर्जर के रिलेटिव, कर्जर से लेफ्ट हैंड साइड के जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट की से कर्जर के राइट हैंड साइड में जो कैरेक्टर्स हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। सो नाउ फॉर टाइपिंग नंबर्स इन अ डॉक्यूमेंट, नंबर कैसे टाइप करेंगे, आपको अभी अभी बताया कि एक तो ऐसे भी नंबर्स अल्फानुमेरिक कीज से आते हैं, दूसरा एक न्यूमेरिक कीपैड है आपके पास तो वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट न्यूमेरिक कीपैड आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब नम लॉक की ऑन होगी। तो आप एक बार कीबोर्ड में अपने चेक कर ले, जब भी नंबर कीपैड जब आप यूज़ करने जाएँ तो आप एक बार चेक कर ले कि नम लॉक की ऑन है, और then you can start typing numbers and operators from number keypad. अब typing capital letter, you all know that caps lock on करेंगे, और caps lock की key on करने के बाद आप जब भी type करेंगे तो वो capital letter में type होगा। अगर आपको आपको जो दूसरा alternative है capital type करने का, वो है कि shift key दबा के जब आप कोई भी alphabet type करेंगे तो वो capital में type होगा। टाइपिंग सिंबल्स, सिंबल्स कैसे टाइप करें, तो सिंबल्स टाइप करने के लिए प्रेस एंड होल्ड, ये उन सिंबल्स की बात की जा रही है जो सिंबल्स आपके कीबोर्ड में हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे कीज़ ऐसे हैं जिसमें दो दो कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, एक कैरेक्टर नीचे है एक कैरेक्टर ऊपर है, तो जो कैरेक्टर डाउन साइड में है तो वो तो आप डायरेक्ट ही जब की को प्रेस करेंगे तो वो कैरेक्टर टाइप हो जाएगा, लेकिन जो कैरेक्टर अप साइड में है वो देखेंगे ज़्यादातर वो सिंबल्स हैं, तो उसको टाइप करना है। अगर जैसे मान लीजिए आपको एट द रेट टाइप करना है जो कि नंबर 2 वाले की पे है, अगर आप अल्फा न्यूमेरिक कीज़ में 2 वाले बटन को देखेंगे तो 2 नीचे लिखा हुआ है, एट द रेट ऊपर लिखा हुआ है, तो 2 अगर आप उस की को सीधे प्रेस करेंगे तो 2 टाइप होगा, लेकिन अगर आपको एट द रेट टाइप करना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करके होल्ड करके रखना होगा और तब उस की को टाइप करना होगा। इस तरीके से आप एट द रेट टाइप कर पाएंगे। तो जब सिंबल टाइप करना होता है वो सिंबल्स जो की के ऊपर वाले पार्ट पे दिखाई दे रहे हैं तो आप शिफ्ट टाइप प्रेस करके उस की को प्रेस कर दीजिए तो ऊपर वाला कैरेक्टर टाइप हो जाएगा। टाइपिंग सेंटेंस, क्रिएटिंग न्यू लाइंस, नया लाइंस क्रिएट करने के लिए आपको एंटर या रिटर्न की, मतलब एक लाइन जब आपने लिख लिया तो आप एंटर प्रेस कीजिए, नई लाइन में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है गाइड फॉर टाइपिंग, तो ये प्रैक्टिकल, तो इसको हम लोग कवर अभी फिलहाल नहीं करेंगे। आप अगर पढ़ना चाहें तो वीडियो में है आपके पास, वीडियो पॉज करें और पढ़ सकते हैं। अब है पॉइंटिंग डिवाइस, तो पॉइंटिंग डिवाइस में, पॉइंटिंग डिवाइस वो होता है जो स्क्रीन पे पॉइंट करके कुछ टास्क परफॉर्म करता है, जैसे सेलेक्ट करना या फिर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना, तो माउस इज़ वन ऑफ द पॉइंटिंग डिवाइस। और भी बहुत सारे पॉइंटिंग डिवाइस पहले हैं हमारे पास, लाइक जॉयस्टिक हुआ, लाइट पेन हुआ, टच पैड हुआ, ट्रैक बॉल हुआ, टच स्क्रीन हुआ, तो ये सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। तो माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, इसमें बस आपको देखना है कि कितने कीज़ होते हैं, दो कीज़ होते हैं, एक लेफ्ट की एक राइट की, और बीच में जो एक
स्क्रॉल व्हील होता है, लेफ्ट बटन का। अब इसमें हमको सबसे इम्पोर्टेंट जो पढ़ना है वो ये है कि इनके टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं। इस सिंबल को हम कहते हैं माउस पॉइंटर, इस सिंबल को हम कहते हैं माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर अलाउज टू पॉइंट ऑन द स्क्रीन, और जब आप टाइप करना शुरू करते हैं तो माउस पॉइंटर कर्जर में बदल जाता है, तो वो कर्जर एक वर्टिकल लाइन की तरह दिखता है। उसके बाद है हाउ टू करेक्टली होल्ड द माउस, तो ये करेक्ट मेथड है, ये इनकरेक्ट मेथड है। माउस हाथ को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, ये टॉप व्यू और साइड व्यू दिया हुआ है। माउस के क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, तो माउस का ऑपरेशंस यहाँ है क्लिक और लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक करने से क्या होता है, वी कैन सेलेक्ट द आइटम। डबल क्लिक करने से क्या होता है, वी कैन ओपन द और स्टार्ट अ प्रोग्राम और ओपन अ फोल्डर। अगर हम फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा, अगर हम किसी प्रोग्राम पे डबल क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। राइट क्लिक क्या होता है, राइट क्लिक गिव्स अस सो मेनी मेन्यूज और सो मेनी ऑप्शंस, ठीक है। वो एक मेन्यू डिस्प्ले करा देता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो आपसे पूछता है कि आपको क्या करना है, कॉपी करना है, कट करना है, रीनेम करना है, प्रॉपर्टीज देखनी है। तो इट जब आप राइट क्लिक किसी भी आइकन पे ले जाके राइट क्लिक करते हैं तो इट शो लाइक यू कैन सी, मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये बहुत सारे ऑप्शंस मुझे दे रहा है। तो राइट क्लिक करने जो ऑपरेशन है, इट गिव्स, इट डिस्प्ले द सेट ऑफ कमांड्स एंड अवेलेबल ऑप्शंस, मूव द सो अवेलेबल ऑप्शंस, ये हमको दिखाता है और हम उसमें से जो काम करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी फोल्डर को अगर हमें एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना है तो एक तो तरीका है कि हम कंट्रोल प्लस सी कर लें, फिर कंट्रोल प्लस वी कर लें, उस लोकेशन पे जाके पेस्ट कर लें, कट पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक है कि ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रैग और ड्रॉप कैसे किया जाता है, पहले तो ड्रैग करने के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा, मतलब आपको लेफ्ट क्लिक को प्रेस करना पड़ेगा और होल्ड करके रखना पड़ेगा। उसके बाद आप माउस का पॉइंटर जहां आप उस फोल्डर को या फाइल को ड्रॉप करना चाहते हैं उस लोकेशन पे ले जाएंगे, और उसके बाद लेफ्ट बटन आप छोड़ देंगे। तो जैसे ही लेफ्ट बटन आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो फाइल अपने पहले वाले जगह से हट के दूसरे वाले जगह चला गया। तो इट अलाउज टू सेलेक्ट एंड मूव द आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, तो ये ड्रैग ड्रॉप। स्क्रॉलिंग क्या होता है, में बहुत सारा एप्लीकेशन ऐसा है जो स्क्रॉल बार प्रोवाइड कराता है। स्क्रॉल दो स्क्रॉल बार होता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। तो अगर जो पेज है आपका या जो भी वेब पेज आपने खोला हुआ है या फिर कोई पीडीएफ है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही है वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये जो स्क्रॉल बार आप देख रहे हैं तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। तो कभी कभी जो कंटेंट है वो पूरे स्क्रीन पे नहीं आ पाता, तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं कि जो स्क्रॉल व्हील आपको हमने दिखाया था पहले, उस स्क्रॉल व्हील को उसकी मदद से आप स्क्रॉल कर सकते हैं और आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। उसके बाद है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग इज अनदर वे ऑफ सेलेक्टिंग टेक्स्ट, इट इज यूज टू सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी एडिटेड और फॉर्मेटेड। क्लिक एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड और सेंटेंस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट बटन, देन ड्रैग अलोंग द टेक्स्ट एंड सी इट बीइंग हाईलाइटेड इन द ब्लैक। एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट द सेंटेंस रिलीज्ड द लेफ्ट बटन। कहने का मतलब ये ब्लॉकिंग का भी एक ऑपरेशन है। इस ब्लॉकिंग के ऑपरेशन में जो वर्ड है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, और केवल उसी को करते हैं हम जिसको हमें या तो एडिट करना होता है या फॉर्मेट करना होता है। कैसे करते हैं, हम क्लिक करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड और सेंटेंस एंड होल्ड द लेफ्ट बटन, तो होल्ड करके रखते हैं उसको, देन ड्रैग अलोंग द टेक्स्ट, और जब हम ड्रैग करते हैं उसको अलोंग द टेक्स्ट, इट बीइंग हाईलाइटेड इन ब्लैक, ये ब्लैक में हाईलाइट हो जाता है। एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट एंड सेंटेंस रिलीज द लेफ्ट बटन, सो दिस इज हाउ यू कैन ब्लॉक। टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स, टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स क्या होता है, इट प्रोवाइड्स द लॉजिस्टिक सपोर्ट ऑफ फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टाइप राइटिंग। ये कुछ रूल्स है टाइपिंग और एर्गोनॉमिक्स के, ये हमें ये बताता है कि कितने तरीके, क्या क्या तरीका होना चाहिए जिससे हम एफिशिएंट और इफेक्टिव टाइप राइटिंग करें, ठीक है। दे आर इम्पॉर्टेंट टू अटेन एंड मेंटेन एक्यूरेसी एंड स्पीड। सबसे पहले टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स में जो पहला पॉइंट है वो है सिटिंग पोस्चर। ये कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, सम ऑफ दीज फैक्टर्स इंक्लूडेड
are as given below. तो टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स इज इम्पॉर्टेंट. टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स में हम ये देखते हैं कि क्या तरीका होना चाहिए या क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हम एफिशिएंट और इफेक्टिव टाइप राइटिंग कर सकते हैं. तो पहला होता है सिटिंग पोस्चर. सिटिंग पोस्चर आपका सही होना चाहिए, आप बिल्कुल सीधे बैठे होने चाहिए, ठीक है. जो बिल्कुल 90 टू 100 डिग्री होना चाहिए, बैक सपोर्ट होना चाहिए सही बिल्कुल 90 डिग्री पे. उसके बाद फीट शुड बी सपोर्टेड ऑन फ्लोर और बाय फुट रेस्ट, किसी फुट रेस्ट या फ्लोर पे सपोर्ट होना चाहिए. सो ये सिटिंग पोस्चर इज वन ऑफ द फैक्टर कि सिटिंग पोस्चर अगर आपका सही है तो आप एफिशिएंट और इफेक्टिव टाइपराइटिंग कर पाएंगे. पोजीशन ऑफ हैंड कैसा होना चाहिए, ये देखिए पिक्चर में दिख रहा है, ये राइट तरीका है. बिल्कुल जो हाथ है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इस तरीके से बैठना गलत है. तो इस तरीके से बैठने पे हेल्थ रिलेटेड इशू तो होता ही है, साथ में आप इफेक्टिव और टाइपराइटिंग एफिशिएंटली नहीं कर सकेंगे. दूसरा है मॉनिटर का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, तो पढ़ लीजिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है. 60 to 65 कीप द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बताया गया है ऑफ अबाउट 60 to 65 सेंटीमीटर फॉर 17 inch स्क्रीन, ठीक है. डू नॉट बेंड योर नेक वाइल वर्किंग ऑन मॉनिटर एंड कीप द अपर बॉर्डर ऑफ स्क्रीन एट आई लेवल. द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द यूजर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्क्रीन. माउस एंड कीबोर्ड का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, कीप द कीबोर्ड एंड माउस टुगेदर एट एन अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ 20 centimeter विच विल हेल्प इन स्मूथ एंड एफर्टलेस ऑपरेशन. चेयर और टेबल का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, एडजस्ट कंप्यूटर चेयर एंड टेबल टू एन ऑप्टिमल हाइट. द चेयर ऑफ कंप्यूटर यूजर मस्ट बी सपोर्टिव टू हिज हर लोअर बैक. कीबोर्ड इज वाइब्रेटिंग डिवाइस सच एज कीबोर्ड एंड वाइब्रेटिंग डिवाइस सच एज प्रिंटर शुड बी ऑन सेपरेट टेबल्स. ये वाइब्रेटिंग डिवाइस सेपरेट टेबल पे होना चाहिए. प्लेसमेंट ऑफ मैटर टू बी टाइप्ड, जो मैटर आप या जो कंटेंट आप टाइप करना चाहते हैं वो कहाँ हो. प्लेस द मैटर फॉर टाइपिंग टू द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, प्रिफरेबली ऑन अ कॉपी होल्डर विच हैज़ अ स्लोपिंग सरफेस. स्लोपिंग सरफेस पे आप उस मैटर को रखें ताकि आप आसानी से उसको देख पाएं. पोजीशन ऑफ फिंगर्स ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड पे कैसे पोजीशन होना चाहिए. जब ये टच टाइपिंग की तरह की बात हो रही है कि अगर आपको टच टाइपिंग सीखना है, अगर आपको इफेक्टिवली स्पीड में टाइप करना है तो आप किस तरीके से फिंगर को प्लेस करेंगे कीबोर्ड पे. तो उसके लिए जो मैंने आपको बताया था होम रोज कहते हैं इस रो को, जो मिडिल वाला रोज होता है जिसमें ए एस डी एफ के कीज होते हैं, और ए एस डी एफ और जे के एल सेमीकोलन इनको हम होम कीज भी कहते हैं. तो यहीं पे हम आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरीके से दिस इज द राइट वे टू पुट योर फिंगर ऑन योर कीबोर्ड व्हाइल टाइपिंग. एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर, ये प्रैक्टिकल बेस्ड है तो इसको हम फिलहाल छोड़ रहे हैं. अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूजिंग टाइपिंग सॉफ्टवेयर. कौन सा सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है वो देखिए, रैपिड टाइपिंग ट्यूटर. रैपिड टाइपिंग अभी तो लैब भी नहीं हो रहा है और बहुत लोगों के पास कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप होंगे नहीं, तो अभी आप मैं समझ सकता हूँ कि आप नहीं कर पाएंगे. बट थियोरिटिकली आप एक बार देख लें, बस नाम कम से कम जान लें कि रैपिड टाइपिंग ट्यूटर इज अ सॉफ्टवेयर विच इन विच वी हैव टू प्रैक्टिस. टच टाइपिंग का टेक्निक बताया गया स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 में कि क्या क्या टेक्निक है, कैसे आपको टच टाइपिंग करना चाहिए. ये सारा टच टाइपिंग के बारे में, ये प्रैक्टिकल बेस्ड है तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे. इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं टच टाइपिंग में. क्वेश्चंस बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि टच टाइपिंग क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टच टाइपिंग, और हाँ जो होम रो क्या होता है, और फिंगर को कैसे हम कीबोर्ड पे रखते हैं टच टाइपिंग के लिए. तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट. हाउ टू इंटरप्रेट योर रिजल्ट, आप अपना रिजल्ट कैसे देखेंगे उस सॉफ्टवेयर पे. तो एक बार बस इस सॉफ्टवेयर पे काम करना है आपको, और चूंकि एक ही वीडियो में मुझे सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है तो मैं अभी तो इस वीडियो में नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप बाद में कहेंगे तो फिर बाद में हम लोग उस सॉफ्टवेयर को के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा. सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, आप इसमें एनालिटिक्स कैसे देख सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में है. तो मैं बस इसको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप जब चाहें आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं, जब चाहे देख सकते हैं.
डिटेल्ड लेसन स्टैटिस्टिक्स कैसे देखें, वर्किंग विथ लेसन एडिटर, कैलकुलेटिंग टाइपिंग स्पीड, कैसे कैलकुलेट करते हैं टाइपिंग स्पीड को, तो ये कुछ पैरामीटर्स है, जैसे WPM का मतलब हुआ वर्ड पर मिनट, नेट WPM का मतलब हुआ नेट वर्ड पर मिनट, नेट वर्ड पर मिनट कैसे निकाला जाता है, तो वर्ड पर मिनट माइनस वर्ड्स विथ एरर बाय टाइम स्पेंड इन मिनट्स। तो ये कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं कि आप अपनी स्पीड को कैसे निकाले। वर्ड पर मिनट में अगर आपको निकालना है तो वर्ड पर मिनट का क्या मतलब हुआ, वर्ड्स विदाउट एरर, वर्ड्स विथ एरर, मतलब जितना भी वर्ड्स आपने टाइप किया चाहे वो गलत था या सही था, दोनों को जोड़ के बाय कितना टोटल टाइम लगा, तो ये हो गया वर्ड पर मिनट। लेकिन अगर नेट वर्ड पर मिनट कहा जाएगा तो आपको उसमें माइनस करना पड़ेगा उस वर्ड्स को जो एरर के साथ थे विद टाइम, क्योंकि ये पर मिनट है तो टाइम भी बाय करना पड़ेगा इसके साथ। ये CPM हो गया कैरेक्टर पर मिनट, फिर नेट CPM आप बिल्कुल उसी तरह समझ सकते हैं। KPM हो गया की स्ट्रोक्स इन अ वन मिनट पीरियड ऑफ टाइम, तो की स्ट्रोक्स पर मिनट, नेट की KPM, इस तरह से आप नेट जो स्पीड कैलकुलेट की जाती है कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारी स्पीड क्या है, ये सारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अब ये देखिए चेक योर प्रोग्रेस, मैं वीडियो में धीरे धीरे स्क्रॉल करता जाऊंगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप अपने से घर पे बैठ के बनाइएगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखते जाइए, आप वीडियो पॉज करके आराम से देखते जाइए इसको। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ये छह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, हालांकि सारा ही इंपॉर्टेंट है इसमें कुछ, लेकिन जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन होम कीज एंड गाइड कीज, या हूँ व्हाट इज़ होम की, व्हाट इज़ गाइड की, न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है, उसको क्यों यूज़ किया जाता है, टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स के बारे में बताइए, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकली इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाँ, कीबोर्ड में जो कितने टाइप के कीज़ होते हैं, किन कीज़ का क्या फंक्शंस है, वो सब पढ़ लीजिए थोड़ा, और होम कीज़ वगैरह के बारे में, गाइड कीज़ के बारे में, न्यूमेरिक कीपैड के बारे में, टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स के बारे में, और जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टच टाइपिंग क्या होता है, जो फिंगर्स को कीबोर्ड पे कहाँ पे प्लेस किया जाए ताकि हम एफिशिएंट टाइपिंग कर पाएँ, तो और कौन कौन से वेरियस सॉफ्टवेयर है टाइपिंग के सॉफ्टवेयर आजकल जो कॉमन है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको जानने चाहिए फ्रॉम दिस चैप्टर। सो नाउ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, नाउ आई एम मूविंग टू डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में इंट्रोडक्शन है, इट इज़ ऑल अबाउट वर्ड प्रोसेसर, जैसे MS वर्ड के बारे में आप जानते हैं कि वर्ड पे आपको कैसे काम करना है, क्या करना है, तो उसी के बारे में ये चैप्टर है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ स्टार्टिंग में है वो ये है कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। अ डॉक्यूमेंट इज़ अ पेपर विथ रिटन कंटेंट्स एंड प्रोसेस of preparing the document is called documentation. तो what is document and what is documentation, ये important चीज़ है, मतलब these few मैं सिर्फ जो important points है, जो topics है, उसको cover करते चलता हूँ। तो शुरुआत में ये एक important बात है कि document क्या होता है और documentation क्या होता है। उसके बाद है word processor क्या होता है या word processing क्या है। तो a word processor is a computer application used for the production of printable material. In the beginning, WordStar was the most widely used word processing software. पहले WordStar नाम का एक एप्लीकेशन होता था जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन अब तो आपके सामने बहुत सारा है, जैसे MS Word हो गया, ओपन ऑफिस में राइटर हो गया, लिब्रे ऑफिस में राइटर हो गया, तो ये सब कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। वर्ड प्रोसेसिंग इज The use of computer software to enter, edit, format, store, retrieve and print a document. The document can be letter, notice, report, business correspondence. तो word processing क्या होता है, word processor क्या होता है, word processor और जो normal text editor है उसमें क्या अंतर है। तो जैसे text editor अगर की बात करें तो notepad है हमारे पास, उसमें भी हम type कर सकते हैं, तो हमें word processor की ज़रूरत क्यों पड़ी।
तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिलते हैं, फॉर्मेटिंग फीचर्स मिलते हैं, जैसे आप कलर कर सकते हैं, आप बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है वर्ड प्रोसेसर में। आप इस चीज़ को अच्छे से नेट पे जाके सर्च भी कर लीजिएगा कि ये एक अच्छा टॉपिक है कि टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसर में क्या अंतर है, या वर्ड प्रोसेसर कैसे में ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो वर्ड जो नोट पैड या टेक्स्ट एडिटर में हमें नहीं मिलते। तो ये है कि इस पॉइंट में बता रहा है कि टाइपराइटर में भी हम टाइप करते हैं और वर्ड प्रोसेसर में भी टाइप करते हैं, तो क्या अंतर है। तो ये टाइपराइटर जो है आफ्टर ऑल ये हार्ड कॉपी में ही टाइप होता है, तो अगर एरर हो गया तो पूरा सीटी खराब हो जाएगा, है ना, आपको दोबारा नया पेपर यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर हम कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं तो हम उसको बैक स्पेस और डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हैं और पेपर हमारा बर्बाद नहीं हो रहा है क्योंकि हम सॉफ्ट कॉपी में काम कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ी सी। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, और जो अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ, ये लिब्रे ऑफिस में कहा बताया गया है, ये फ्री और एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस, ये बिल्कुल ओपन ऑफिस की ही तरह है, इसको भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें भी ऑफिस से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं। इसमें भी वर्ड प्रोसेसर मिलता है जिसको राइटर बोलते हैं। कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे? www.libreoffice.org। इसके बाद गेटिंग स्टार्टेड विथ वर्ड प्रोसेसर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है चैप्टर में। ये सब इम्पॉर्टेंट फिलहाल नहीं है। ये बताया गया कि कैसे लिब्रे ऑफिस राइटर स्टार्ट करें, तो आप जानते हैं कंप्यूटर में और ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, लिब्रे ऑफिस में क्लिक करना है, उसके बाद ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसमें राइटर, अभी अगर आप वर्ड प्रोसेसर पढ़ रहे हैं तो राइटर डॉक्यूमेंट ऐसा दिखता है लिब्रे ऑफिस में, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। अल्टरनेटिवली क्लिक ऑन, अच्छा ये दूसरा तरीका बताया गया है कि विंडोज़ बटन पर जाइए, वही जो मैंने बताया कि लिब्रे ऑफिस पर क्लिक कीजिए, फिर लिब्रे ऑफिस राइटर पर क्लिक कीजिए और लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये लाइनक्स का है, तो लाइनक्स में इसी तरीके से ओपन होता है, उबंटू लाइनक्स, तो ये लाइनक्स का पूरा इंटरफेस दिखाया गया है। क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, कैसे नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, तो मेन्यू पर जाते हैं, न्यू पर जाते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं और इस तरह आप नया डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकता है कि हाउ टू क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, हाउ टू सेव द फाइल, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल, तो .odt। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्लोज फाइल बंद करने के लिए क्लोज ऑपरेशन करते हैं, अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको ओपन करना है तो फाइल में जाने के बाद ओपन पर क्लिक करते हैं, तो Ctrl+O होता है इसका शॉर्टकट की। अगर सेव करना है तो फाइल में जाके सेव पे क्लिक करते हैं। राइटर्स में एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ दिया है, सेव विद पासवर्ड, तो अगर आप सेव बटन पे क्लिक करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, तो टू सेव द डॉक्यूमेंट विद पासवर्ड पुट अ टिक ऑन चेक बॉक्स, एक चेक बॉक्स आपको मिलेगा सेव विद द पासवर्ड, उसके बाद उसको अगर आप चेक करके तब सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक सेट पासवर्ड डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, उसमें आप अपना पासवर्ड टाइप कर लीजिए, तो वो फाइल फिर उस पासवर्ड से ही ओपन होगी, कोई दूसरा उसको ओपन नहीं कर पाएगा। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं राइटर विंडो के, राइटर का जो विंडो होता है ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया है। सबसे पहले ये आप लोग पहले जानते हैं, टाइटल बार होता है, फिर मेन्यू बार होता है, मेन्यू बार में बहुत सारे मेन्यू होते हैं जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट स्टाइल, टेबल, टूल्स, विंडोज़, हेल्प। इसके बाद एक स्टैंडर्ड टूल बार होता है जिसमें जो स्टैंडर्ड बटन्स होते हैं वो रखे जाते हैं, और उसके नीचे फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, ये देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार। तो ये सारे कंपोनेंट जिसमें फॉर्मेटिंग ऑप्शंस या फॉर्मेटिंग बटन्स रखे जाते हैं, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार फिलहाल इसमें अभी नहीं दिखाया गया, जूम कंट्रोल हो गया, यहाँ पे जूम कंट्रोल है जो कि आपके पेज को जूम इन या जूम आउट आप उसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारा कंपोनेंट्स है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आप वीडियो को पॉज करके फिर पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दो इम्पॉर्टेंट बटन, होम बटन और एंड बटन। होम बटन प्रेस करने से अगर आप होम की जंप्स टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन एंड प्रेसिंग एंड की जंप्स टू द एंड ऑफ द लाइन, मतलब अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कर्जर कहीं भी है, अगर आप उसको उस लाइन के एकदम स्टार्ट में जाना चाहते हैं तो होम बटन, अगर उस लाइन के सबसे लास्ट में जाना चाहते हैं तो एंड बटन, लेकिन वो अगर डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर जाना चाहते हैं तो वही होम बटन कंट्रोल की के साथ दबाएंगे, जैसे कंट्रोल प्लस होम,
और वही एंड बटन आप कंट्रोल के साथ जब प्रेस करेंगे तो आप उस डॉक्यूमेंट के सबसे एंड में पहुंच जाएंगे। तो टू जंप टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस एंड, टू जंप टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट यू हैव टू प्रेस कंट्रोल प्लस होम। फिर माउस पॉइंटर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, एडिटिंग द डॉक्यूमेंट, एडिटिंग के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे अंडू रीडू। अंडू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जेड, रीडू का होता है कंट्रोल प्लस वाई। अंडू से अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी, अगर आप कुछ टाइप कर रहे थे, गलती से कुछ डिलीट हो गया, आप नहीं चाहते थे, तो आप अंडू कर सकते हैं उसको। तो अंडू करने के लिए ऑप्शंस वहाँ मिलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पे, और अदरवाइज आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। रीडू, अगर आपने अंडू कर दिया तो हर अंडू ऑप्शन को फिर से कैंसिल करने के लिए हम रीडू करते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। If by mistake you have made some changes and now you want to erase the last change, जो चेंज आपने किया, आपने गलती से कुछ ऐसा चेंज कर दिया जो अब आप नहीं चाहते हैं, तो आप अंडू कर सकते हैं। After undo command, again if you want to go back, then you use the redo option. तो ये होता है undo और redo. Moving and copy, moving और copying में समझिएगा, moving का मतलब होता है cut and paste और copying का मतलब होता है copy and paste. मूविंग का मतलब हुआ कि हम कम्प्लीटली फाइल या फोल्डर को एक लोकेशन से हटा के दूसरे जगह लेके जा रहे हैं, और कॉपीइंग टेक्स्ट का मतलब हुआ कि हम एक दूसरा डुप्लीकेट कॉपी उसका क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम मूविंग टेक्स्ट कर रहे हैं तो हम कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं, क्योंकि कंट्रोल प्लस एक्स इज अ ऑप्शन फॉर कट, है ना। तो मूविंग के लिए हम करेंगे कट एंड पेस्ट, और कॉपी के लिए करेंगे कॉपी एंड पेस्ट। तो जब हमको आपको कहा जाए कि मूव करना है तो आप लिखेंगे कंट्रोल प्लस एक्स, उसके बाद दूसरे किसी लोकेशन पे कंट्रोल प्लस वी, क्योंकि पेस्ट का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस वी है। और जब आपको कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी, फिर आपको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। तो प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू, वेयर द टेक्स्ट हैज टू बी मूव्ड, क्लिक एडिट पेस्ट ऑप्शन और प्रेस कंट्रोल प्लस वी। तो मूविंग कर और एंड कॉपीइंग टेक्स्ट जब करना है तो मूविंग और कॉपीइंग दो अलग चीज़ें हैं। मूविंग जब हम कहते हैं तो कट एंड पेस्ट होता है, और कॉपीइंग जब हम कहते हैं तो कॉपी एंड पेस्ट होता है। और ये कॉपी एंड पेस्ट अलग से दिया हुआ है यहाँ पे, कॉपी एंड पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, ये आप जान लें। सेलेक्टिंग टेक्स्ट, हाउ यू सेलेक्ट द टेक्स्ट, माउस के पॉइंटर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल बी हाईलाइटेड, जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो हाईलाइट हो जाता है, उसके बाद आप उसमें कोई भी एडिटिंग ऑप्शन कर सकते हैं। सेलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, अब यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना है उसके लिए डिफरेंट टाइप के माउस के ऑप्शंस दिए गए। टू सेलेक्ट अ सिंगल वर्ड एट अ टाइम, सिर्फ एक ही वर्ड को सेलेक्ट करना है। पोजिशन द माउस पॉइंटर एनी वेयर ऑन द वर्ड एंड डबल क्लिक, मतलब वर्ड पे क्लिक के कहीं पे भी उस वर्ड पे माउस पॉइंटर को रखिए, डबल क्लिक कीजिए। टू सेलेक्ट अ कंप्लीट सेंटेंस एट अ टाइम, इस केस में पोजीशन द माउस पॉइंटर एनी वेयर इन द सेंटेंस एंड ट्रिपल क्लिक। अगर आपको कोई वर्ड सेलेक्ट करना है तो पुट द कर्सर एनी वेयर ऑन दैट वर्ड, उस वर्ड में कहीं भी कर्सर को प्लेस कीजिए और डबल क्लिक कीजिए। अगर आपको पूरा का पूरा सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो उस पूरे सेंटेंस में कहीं भी आप माउस का पॉइंटर रखिए और ट्रिपल क्लिक कीजिए। टू सेलेक्ट द कंप्लीट पैराग्राफ, पोजीशन द माउस पॉइंटर एनीवेयर इन द पैराग्राफ एंड क्वाड्रपल क्लिक। क्वाड्रपल क्लिक मींस क्विकली क्लिक द लेफ्ट माउस बटन 4 times। पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जब सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए का मतलब सेलेक्ट ऑल, मतलब डॉक्यूमेंट में जितना कुछ है सब एक साथ सेलेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, सेलेक्टिंग नॉन कंजिक्यूटिव टेक्स्ट। अगर ये जो जितना भी यहाँ पे सिलेक्शन बताया गया ये सारा कंजिक्यूटिव था, एक वर्ड तो खैर कोई बात नहीं, एक ही वर्ड है, लेकिन जो सेंटेंस होता है वो सारा, अगर हम एक सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो सारा वर्ड कंजिक्यूटिव है, अगर हम एक पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो सारा वर्ड्स फिर से कंजिक्यूटिव है, पूरा डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो भी कंजिक्यूटिव है। लेकिन अगर नॉन कंजिक्यूटिव हो, मतलब एक वर्ड हमें यहाँ सेलेक्ट करना हो, एक वर्ड यहाँ से आप देख रहे हैं पिक्चर पे, एक कंप्यूटर एंटर्ड कैरेक्टर पे अलग अलग, तब हम कैसे करें। तो उस केस में हमें एक, अगर आपको नॉन कंजिक्यूटिव टेक्स्ट आइटम सेलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल की कीमत लेनी पड़ेगी, मतलब
आप पहला जो भी वर्ड है उसको सेलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल की प्रेस करके होल्ड करके रखिए, फिर जो भी दूसरा वर्ड आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए, फिर तीसरा वर्ड जहाँ भी, तो कंट्रोल की जब तक आप दबाए रखेंगे तब तक नॉन कंसेक्यूटिव जो लगातार नहीं है वर्ड्स वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेलेक्टिंग ए वर्टिकल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेलेक्ट वर्टिकल ब्लॉक और कॉलम सेपरेटेड बाय स्पेस और टैब्स। अगर कोई वर्टिकल कॉलम है जो कि स्पेस या टैब से सेपरेटेड है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह। फिर आते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। क्या होता है फाइंड एंड रिप्लेस? इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन वर्ड प्रोसेसर। आपका एक डॉक्यूमेंट है उसमें आपको कोई वर्ड है जो आपको फाइंड करना है, तो ये तो फाइंड ऑप्शन से आप उस वर्ड को फाइंड कर सकते हैं। अगर उसको केवल फाइंड नहीं करना है, फाइंड करने के बाद फिर उसको रिप्लेस भी करना है विथ सम अनदर वर्ड, जैसे राम एक वर्ड है, आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ राम है वो फाइंड हो जाए, तो फाइंड करने के बाद आप उसको बदलना चाहते हैं फिर, मतलब राम की जगह श्याम आ जाए वहाँ, तो फाइंड एंड रिप्लेस फीचर विल हेल्प यू। उसके लिए कहा जाना पड़ता है फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन में जाएंगे, या फिर आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ का, कंट्रोल प्लस एफ जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो आ जाएगा, और यहाँ से आप क्या फाइंड करना है वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अगर आपको कुछ रिप्लेस करना है, अगर सिर्फ फाइंड करना है तो फाइंड जो वर्ड फाइंड करना चाहते हैं उस वर्ड को यहाँ लिखिए, फिर फाइंड ऑल कर दीजिए, तो जितने भी वर्ड्स हैं वो फाइंड हो जाएंगे, आपको दिख जाएंगे कि डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ ये फाइंड है। रिप्लेस भी करना है तो आप यहाँ पर से वो वर्ड लिख दीजिए जिसको आपको रिप्लेस करना है, फिर यहाँ पर रिप्लेस ऑल करेंगे तो वो सारे वर्ड जो फाइंड हुए थे वो सारे रिप्लेस हो जाएंगे इस वर्ड से। फाइंड एंड सिर्फ फाइंड में ऑप्शन में जाना है तो कंट्रोल प्लस एफ, और फाइंड एंड रिप्लेस में जाना है तो कंट्रोल प्लस एच, CTRL प्लस एच, तो फाइंड एंड रिप्लेस जो ऑप्शन है वो इसके लिए काम में आता है, ये बहुत अच्छा फीचर है। जंपिंग टू द पेज नंबर, कंट्रोल प्लस जी से आप ये शॉर्टकट की है, एडिट मेनू में जाके आप गो टू पेज में जा सकते हैं, ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे जिस पेज में आप जाना चाहते हैं वो पेज टाइप कर दे, ओके कर दे, वो आप उस पेज पे पहुँच जाएंगे, या फिर आप सीधे कंट्रोल प्लस जी शॉर्टकट की टाइप करें, और आप जैसे ही शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस जी, ये अपने आप ये विंडो ओपन कर देगा, फिर आप सिर्फ पेज नंबर लिख दीजिए, ओके कर दीजिए, तो वो उस पेज नंबर पे आपको पहुंचा देगा। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स हम जब वर्ड में टाइप करते हैं तो वो प्रिंट नहीं होते, जैसे एंटर है ना, एंटर हो गया, स्पेस हो गया, या फिर आपको टैब हो गया, तो इन प्रिंटर्स को अगर आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में देखना है कि मैंने कहाँ कहाँ एंटर प्रेस किया है या कहाँ कहाँ स्पेस दिया है, तो उसके लिए आप नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको देखने के लिए कंट्रोल प्लस F10 यूज़ कर सकते हैं, नॉन टू डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स प्रेस द टॉगल फॉर्मेटिंग मार्क, या तो ये मार्क आपको स्टैंडर्ड टूल बार में दिख जाएगा, इस बटन पर क्लिक कीजिए, या फिर कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज़ कीजिए कंट्रोल प्लस F10, तो आपको जितने भी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं वो दिख जाएंगे, और उसका साइन कैसा होगा, अगर कहीं पे टैब है तो वो इस साइन से दिखाई देगा, अगर कहीं पे स्पेस स्पेस दिया है आपने तो वो डॉट से दिखाई देगा, और अगर एंटर है तो वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये आप सब जान रहे हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर जो है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में आपने टाइप किया है तो उसमें जो स्पेलिंग अगर आपने गलत कर दी तो रेड वेवी लाइन आ जाता है, और उसके थ्रू वो वर्ड डॉक्यूमेंट हमको बताता है कि आपकी ये स्पेलिंग गलत है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। दो तीन तरीके के वेवी लाइंस होते हैं, वैसे ब्लू वेवी लाइंस हैं, ग्रीन वेवी लाइंस हैं, और रेड वेवी लाइंस हैं। रेड वेवी लाइंस जो होता है वो स्पेलिंग के लिए बताता है, लेकिन अगर ग्रीन वेवी लाइंस है तो इसका मतलब कहीं पे एक्स्ट्रा स्पेस है, या फिर उसका इंडेंटेशन सही से नहीं हुआ है, जहाँ पे स्पेस नहीं देना चाहिए वहाँ भी आपने स्पेस दे दिया है, तो ये वो दिखाता है। ग्रामेटिकल एरर जो है डिटेक्टेड, दे आर अंडरलाइंड बाय वेवी ब्लू लाइन, अगर कोई ग्रामेटिकल एरर है तो वो वेवी ब्लू लाइन से दिखता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप कैसे उसको सुधारेंगे, राइट क्लिक ऑन दिस लाइन ब्रिंग्स अप अ कॉन्टेक्स्ट मेनू शोन इन द फिगर,
तो जब आप राइट क्लिक करेंगे, मान लीजिए कि आपको कभी रेड वेवी लाइन दिखा किसी वर्ड पे, इसका मतलब कि उसकी स्पेलिंग गलत है, तो आप उस वर्ड पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, तो वो बहुत सारे ऑप्शन सही वाले ऑप्शन दिखा देगा, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए तो वो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर ग्रामेटिकल एरर है तो फिर से उसी तरह राइट क्लिक करेंगे तो वो सारा कॉन्टेक्स्ट दिखा देगा कि ये रूल के हिसाब से यहाँ पे ये होना चाहिए, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, वो सजेशन आपको देगा, उस सजेशन के हिसाब से आप करेक्ट कर सकते हैं। तो ये है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। इसको कहाँ से हम ये करेंगे, तो टूल्स मेन्यू में जाएंगे, फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाएंगे और क्लिक द स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन ऑन द, या फिर हम स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन स्टैंडर्ड टूल बार पे भी होता है, वहाँ से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, या प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड का की F7। तो तीन तरीका है आपके पास स्पेलिंग एंड ग्रामर में, टूल्स में जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक कर लीजिए, या फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन स्टैंडर्ड टूल बार से क्लिक कर लीजिए, या फिर F7 क्लिक कर लीजिए। तीनों में आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का विंडो आ जाएगा और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर अपने डॉक्यूमेंट का। ऑटोमेटिक स्पेल चेकर, ऑटोमेटिक स्पेल चेकर जो है वो, अगर ऑटो स्पेल चेक आपने ऑन करके रखा हुआ है तो आपको मैनुअली जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक को ऑन नहीं करना होगा। आप जैसे ही लिखते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली वो चेक करता जाएगा और वो आपको रेड वेवी लाइन से बताता जाएगा। तो यही है ऑटोमेटिक स्पेल चेकर। फिर यूजिंग सिनोनिम्स है, इसमें मतलब एक ही वर्ड के अगर बहुत सारे सेम मीनिंग के वर्ड हों तो उसको उसको भी हम इसमें से देख सकते हैं सिनोनिम्स के थ्रू। राइट क्लिक ऑन द वर्ड एंड पॉइंट टू सिनोनिम्स। अगर आपको किसी वर्ड का और सिनोनिम्स चाहिए, दूसरा वर्ड चाहिए, तो उस पर राइट क्लिक करेंगे, सिनोनिम्स पे जाएंगे, वो दूसरे वर्ड्स सजेस्ट कर देगा आपको। अ सब मेनू ऑफ अल्टरनेटिव वर्ड्स एंड फ्रेज आर डिस्प्लेड। क्लिक ऑन अ वर्ड और फ्रेज इन द सब मेनू टू रिप्लेस इट विथ हाईलाइटेड वर्ड्स और फ्रेज इन द डॉक्यूमेंट। सिनोनिम्स आर डिफरेंट फ्रॉम डिक्शनरी। डिक्शनरी कंटेन करता है डेफिनेशन एंड प्रोनाउंसिएशन, वेयर थेसोरस जो होता है विल हैव वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स और अपोजिट मीनिंग्स। या तो सिमिलर मीनिंग्स होता है उसमें, वर्ड्स के सारे सिमिलर मीनिंग्स उसमें दिए गए हैं, या फिर अपोजिट मीनिंग्स दिया गया है। तो लेट्स चेक। अच्छा, ये प्रैक्टिकल है। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग में तो फॉर्मेट टूल बार आ जाएगा, फॉर्मेट मेनू बार में जाएंगे, फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे, फिर हमें ऐसा पेज का ऑप्शन आएगा। इसमें आप देखेंगे बहुत सारे टैब्स हैं, तो यहाँ पे हम पूरा का पूरा पेज फॉर्मेट कर सकते हैं कि पेज का फॉर्मेट कैसा है, किस साइज़ का पेज रहेगा, तो A4, विड्थ क्या है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओरिएंटेशन आप चेक कर सकते हैं, पोर्ट्रेट है या लैंड, दो तरह का ओरिएंटेशन होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करें, तो टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के बहुत तरीके हैं, जैसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। इसके साथ साथ चेंजिंग टेक्स्ट केसेस है, मतलब कि आप टेक्स्ट का चेंज केस चेंज कर सकते हैं, अपर केस में है तो उसको लोअर केस कर सकते हैं, और लोअर केस में है तो अपर केस में कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द केस ऑफ द टेक्स्ट, देयर आर 6 चेंज केस ऑप्शंस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। 6 टाइप के चेंज ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, ये फॉर्मेटिंग में एक चीज़ है कि बोल्ड जो है वो उसका शॉर्टकट की Ctrl+B, इटैलिक का Ctrl+I और अंडरलाइन का Ctrl+U है। जो चीज, जो कंटेंट मुझसे छूट रहा है और जो आपको लगता है कि ये एक बार पढ़ना चाहिए, जैसे रिमूवल मैनुअल फॉर्मेटिंग, अगर आपको पहले से कोई फॉर्मेटिंग है उसको हटाना है तो फॉर्मेट में जाके क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग फ्रॉम मेनू बार और क्लिक ऑन क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार और यूज Ctrl+M फ्रॉम द कीबोर्ड। इट विल क्लियर द एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग ऑन द टेक्स्ट एंड देन यू कैन अप्लाई द फ्रेश फॉर्मेटिंग फीचर्स। मतलब पहले से अगर फॉर्मेटेड है और आपको वो फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं लग रही है, कहीं पे बोल्ड है, कहीं पे इटैलिक है, कहीं पे अंडर, आप पहले उस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को हटाना चाहते हैं, सारे फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं और एक फ्रेश तरीके से फिर से फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो तीन तरीका है। एक फॉर्मेट मेनू में जाके क्लियर डायरेक्ट है, एक क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर Ctrl+M। ये जो सारे ऑप्शन हैं ये सब लिब्रे ऑफिस राइटर के थ्रू बताए जा रहे हैं। तो चेंज केस में अब हम यहाँ पे आ गए। अब ये है एक अपर केस कैपिटल लेटर में लिखा हुआ, लोअर केस
सेंटेंस केस, पहला सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होते हैं। कैपिटलाइज एवरी वर्ड, देखिए हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल है। टॉगल केस का मतलब है कि अगर आप टॉगल कर देंगे तो जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। आप जानते हैं जैसे अगर आपको H2O लिखना है तो आपको पता है कि जो 2 है वो सब स्क्रिप्ट में आएगा, वो नीचे रहेगा। लेकिन अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह लिखना है तो एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर है 2 वो सुपर स्क्रिप्ट है, वो ऊपर रहेगा। तो क्या हम उस इस तरीके के इक्वेशंस को या केमिकल फार्मूला को लिख सकते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और उसके लिए ही ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ऑप्शन दिए गए हैं। टू अप्लाई सुपर स्क्रिप्ट कैसे अप्लाई करेंगे? फॉर्मेट टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट, मतलब आपको जैसे आपने लिखा एक्स स्क्वायर लिखना है तो एक्स लिखा फिर टू लिखा। अब टू तो एक्स की ही तरह है लेकिन अब अभी तो आपको उसको एज अ स्क्वायर ऊपर भेजना है सुपर स्क्रिप्ट में, तो आप टू को सेलेक्ट कर लेंगे और सुपर स्क्रिप्ट वाले बटन को जैसे क्लिक करेंगे तो टू अपने आप ऊपर चला जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। बिल्कुल उसी तरह H2O जब आप लिखेंगे तो H2O सीधा में लिखाएगा, लेकिन 2 जब आपको नीचे लेके आना है नीचे आप एज अ सब स्क्रिप्ट, तो 2 को सिर्फ सेलेक्ट कीजिए और सब स्क्रिप्ट बटन पे क्लिक कीजिए, या फॉर्मेट में जाके टेक्स्ट पे जाके सब स्क्रिप्ट पे क्लिक कीजिए, तो वो जो 2 है वो इस बार नीचे चलाएगा। तो इस तरीके से आप सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं और सब स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं हम पैराग्राफ स्टाइल में। पैराग्राफ में इंडेंटिंग पैराग्राफ का मतलब होता है कि जो मार्जिन है और जो जहां से आपने पैराग्राफ लिखना शुरू किया उनके बीच में जो ये स्पेस है इसी को हम, ये स्पेस है इसको इंडेंटेशन कहते हैं। तो इंडेंटिंग का मतलब होता है कि पैराग्राफ जो है मार्जिन से कितना दूर रहेगा। द इंटायर पैराग्राफ कैन बी इंडेंटेड इन वन स्टेप, प्लेस द टेक्स्ट कर्सर एनीवेयर इन द पैराग्राफ, सेलेक्ट द क्लिक ऑन द इंक्रीज इंडेंट टूल पे। अगर आप क्लिक करेंगे तो ईच टाइम व्हेन यू क्लिक ऑन द इंक्रीज इंडेंट टूल द करेंट पैराग्राफ इंडेंट विल इंक्रीज, और डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपको इस मार्जिन इस स्पेस को बढ़ाना है तो आप इंक्रीज इंडेंट टूल पे क्लिक कीजिए, और अगर घटाना है तो डिक्रीज इंडेंट टूल पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह आप इंडेंटेशन दे सकते हैं। इंडेंटेशन का मतलब मैंने पहले बताया कि इट इज़ अ स्पेस बिटवीन द मार्जिन एंड द पैराग्राफ एंड द स्पेस फ्रॉम वेयर पैराग्राफ इज स्टार्टिंग। इसके बाद अलाइनिंग कैसे है, तो अलाइन के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। अलाइनमेंट है, लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है और जस्टिफाई है। लेफ्ट लेफ्ट साइड में अलाइन करेगा, राइट राइट साइड में, सेंटर बीच में अलाइन करेगा, और जस्टिफाई का मतलब होता है कि दोनों मार्जिन के तरफ से इक्वल इंडेंट लाइनें रहेंगी। चाहे एक सेंटेंस में अगर 10 वर्ड है और किसी सेंटेंस में अगर 5 वर्ड है तो वो 5 वर्ड अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि दोनों तरफ का मार्जिन, जो लेफ्ट मार्जिन है और राइट मार्जिन, दोनों से बिल्कुल एक सीधे में वो पैराग्राफ रहेगा। इसके शॉर्टकट की हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस एल, सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई, राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल प्लस आर और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे। अब ये कलर है, फॉन्ट कलर कैसे करते हैं, ये स्टैंडर्ड टूल फॉर्मेटिंग टूल बार में आपको फॉन्ट कलर, हाईलाइट और बैकग्राउंड कलर सबके ऑप्शंस वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, ये देखिए ये किस तरह से अलाइनमेंट हर तरीके की फॉर्मेटिंग करके दिखाई गई है। यूजिंग द बुलेट्स एंड नंबरिंग, तो बुलेट्स का मतलब यूज होता है लिस्ट बनाने में, ये एक्चुअली अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम बुलेट्स यूज करते हैं। देर आर वेराइटी ऑफ बुलेट्स आर अवेलेबल इन वर्ड प्रोसेसर। और नंबरिंग का यूज होता है जब हम लिस्ट बनाते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। आप लिस्ट को नेस्टेड भी बना सकते हैं, मतलब जैसे आप क्वेश्चंस में देखते होंगे कि 1 के अंदर ABCD, फिर 2 के अंदर ABCD, फिर उसके भी अंदर। तो जब लिस्ट के अंदर एक नया लिस्ट आता है तो उसको नेस्टिंग द लिस्ट कहते हैं। अब ये होगा कैसे, आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको दिक्कत होगी तो हम एक बार हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये सिर्फ बुलेट्स है और नंबरिंग है। बुलेट्स आर यूज फॉर अनऑर्डर लिस्ट, और जब भी हमको डॉक्यूमेंट में लिस्ट वाली कोई चीज़ें चाहिए तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि जो लिस्ट हम बना रहे हैं वो अनऑर्डर लिस्ट है या ऑर्डर लिस्ट है। अगर अनऑर्डर लिस्ट हुआ तो हम बुलेट्स एंड नंबरिंग में बुलेट्स एंड नंबरिंग का जो विंडो ओपन होगा तो यहीं पे देखिए ये टैब में बुलेट्स है और इसी टैब में नंबरिंग्स है जो आपको यहाँ दिख रहा है।
बुलेट्स वाले में से हम बुलेट्स चुन लेंगे, उसके बाद हम टाइप करते जाएंगे अपना जो भी कंटेंट है, नंबरिंग वाले में से हम नंबर चुन लेंगे और फिर हम टाइप करते चले जाएंगे। तो इस तरह हम नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। आप केवल कलर जो है वो टेक्स्ट में नहीं दे सकते, आप चाहें तो आप पूरे के पेज के बैकग्राउंड पे या सिर्फ किसी एक पैराग्राफ के बैकग्राउंड पे भी आप कलर कर सकते हैं। आप पूरे पेज पे बॉर्डर डाल सकते हैं, आप एक पैराग्राफ पे चाहें तो केवल उस पे भी बॉर्डर डाल सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे, एरिया में जाएंगे, फिर कलर कर देंगे, फिर कलर ऑप्शन। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस चीज़ के लिए, अगर आपको पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर करना है तो फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ पे जाके तब एरिया पे क्लिक करके कलर पे क्लिक करना होगा तो उसका बैकग्राउंड क्लिक हो जाएगा। इसी तरह पेज के बैकग्राउंड पे क्लिक करना है तो फिर पेज में जाके उसके एरिया में जाके फिर बैकग्राउंड पे कलर करना पड़ेगा। पेज फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शंस दिए गए, इंसर्टिंग अ पेज ब्रेक। अगर इन मल्टी पेज डॉक्यूमेंट द टेक्स्ट फ्लोज फ्रॉम वन पेज टू द नेक्स्ट एज यू ऐड इंफॉर्मेशन, इन सर्टेन केसेस वी मे रिक्वायर टू ब्रेक द करेंट पेज एंड मूव द नेक्स्ट हेडिंग और नेक्स्ट चैप्टर टू द न्यू पेज। मतलब हम कभी कभी चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट में नॉर्मली जब एक पेज खत्म होता है तो अपने आप वो दूसरे पेज में, लेकिन अगर हम चाहें कि नहीं कहीं बीच से ही डॉक्यूमेंट के बीच से ही कहीं पे कि वहाँ से जब हम टाइपिंग करते रहें तो ब्रेक हो जाए वहाँ से लाइन और वो लाइन ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज में चला जाए, तो जब जैसे ही हम इंसर्ट करेंगे पेज ब्रेक तो वहाँ से, और अगर हम कंटिन्यूसली टाइप करते रहेंगे तो जहाँ पे हमने पेज ब्रेक इंसर्ट किया है उसके बाद से वो दूसरे लाइन पे, दूसरे पेज पे अपने आप चला जाएगा। आपको दोबारा मतलब एंटर मार के उस स्पेस को कम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कहने का मतलब कि अगर आपके पास मल्टी पेज डॉक्यूमेंट्स है और आपको कुछ आप चाहते हैं कि आप किसी सर्टेन प्लेस तक ही टाइप करें और उसके बाद जो भी टाइप करें वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए तो आपको वहाँ पे पेज ब्रेक डालना होगा। बाय डिफ़ॉल्ट जब लाइंस ख़त्म हो जाती है एक डॉक्यूमेंट का, एक का कोई एक पेज बिल्कुल ख़त्म हो जाता है एंड लाइन पे चला आता है तब तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट पेज पे जाता ही है, लेकिन अगर आपको कहीं बीच से उसको नेक्स्ट पेज में लेके आना है तब आपको वहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा पेज ब्रेक। तो ये एक पेज ब्रेक का फंक्शन है कि पेज ब्रेक कर सकते हैं आप, कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, लाइन ब्रेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, पेज ब्रेक वहाँ से क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल प्लस रिटर्न कमांड भी टाइप कर देंगे कीबोर्ड से तो वो वहाँ पे पेज ब्रेक आ जाएगा। इसके बाद हेडर एंड फुटर। हेडर और जो होता है वो टॉप मोस्ट एरिया होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का, और फुटर जो है वो बॉटम मोस्ट एरिया होता है। जो टॉप हेडर का मेन जो यूज़ है वो ये है कि अगर आप कोई एक कंटेंट हर पेज पे अपने डॉक्यूमेंट पे डालना चाहते हैं तो अगर आप उसको हेडर में डाल दें तो अगले पेज पे जब आप आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली एज अ हेडर नेक्स्ट पेज पे रहेगा। आपको हर पेज पे जाके उस कंटेंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पेज नंबर, पेज नंबर को हम एज अ फुटर डाल सकते हैं, और एक बार हमने पेज नंबर सेट कर दिया तो जैसे ही हम दूसरे पेज पे जाएंगे वो अपने आप 2 हो जाएगा, तीसरे पेज पे जाएंगे तो 3 हो जाएगा। और हेडर में जैसे आपको कोई हेडिंग लाइन या कुछ ऐसा हेडिंग आपको एट द टॉप चाहिए, एट द टॉप ऑफ द पेज चाहिए तो वहाँ पे आप उस कंटेंट को टाइप करके सिंपल टाइप ना करें, उसको हेडर में डाल दें। तो हेडर पे डालने से क्या होगा कि वो हेडिंग हर पेज में ऑटोमेटिकली आएगी, आपको बार बार नहीं करना होगा। तो यही होता है हेडर एंड फुटर। तो इंसर्ट पे मेनू पे जाएंगे, फिर हेडर एंड फुटर पे जाएंगे और फिर हेडर पे को क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप हेडर डाल सकते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, फिर से हेडर एंड फुटर में जाएंगे, फिर फुटर पे क्लिक करेंगे तो आप फुटर पे भी को भी यूज़ कर सकते हैं, पेज नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट में जाके सीधा पेज नंबर पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इंसर्टिंग इमेज, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट में जाइए, पिक्चर में जाइए, ऑब्जेक्ट में जाइए और वहाँ से इंसर्ट में जाइए, इमेज पे क्लिक कीजिए, फिर वो पूछेंगे आपसे कि कहाँ पे है आपका इमेज, वहाँ से जाके सेलेक्ट कर लीजिए उस इमेज को और इंसर्ट कर लीजिए। स्पेशल कैरेक्टर कैसे, तो इंसर्ट में जाएंगे तो फिर से आपको स्पेशल कैरेक्टर मिलेगा। मतलब इंसर्ट वाले मेनू पे अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ से इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर करना है तो ये रहा स्पेशल कैरेक्टर का फंक्शन, यहाँ से आप स्पेशल कैरेक्टर कर सकते हैं। तो इंसर्ट मेनू पे हर वो ऑप्शंस दिया गया है जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये शेप वाला ऑप्शन दिया गया है,
सकते हैं यहाँ से, आप किसी भी तरह का शेप जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्किल आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये यू कैन डिवाइड योर डॉक्यूमेंट पेज इनटू कॉलम्स। आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि इस तरीके से कॉलम्स में कंटेंट दिखाई देते हैं। ये कैसे करते हैं, जब आप एक बार, आपको पहले अपना पूरा टेक्स्ट लिख लेना होगा, जब पूरा टेक्स्ट लिख लें और तब आप चाहते हैं कि आप उसको तीन कॉलम में डिवाइड करें, तो फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे, फिर कॉलम पे जाएंगे, फिर वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे थ्री कॉलम्स। ये देखिए, टू कॉलम्स, थ्री कॉलम्स, इस तरह से जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपका कंटेंट कॉलम्स में ब्रेक हो जाएगा। क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेबल्स, टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो टेबल्स क्रिएट करने के लिए आपके पास टेबल का एक ऑप्शन है, स्टैंडर्ड टूल बार में ये आपको मिलेगा, या फिर एक मेनू बार भी है टेबल आइकन ऑन, या तो आप टेबल आइकन स्टैंडर्ड टूल बार पे चले जाइए और उसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू पे आपको जैसा टेबल चाहिए, 5x6 का या 3x4 का, या फिर आप इंसर्ट में जाके, इंसर्ट टेबल में भी आप जा सकते, टेबल में जाके आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो आ जाएगा। वहाँ पे टेबल को एक नाम दे सकते हैं आप, कॉलम उसका बता सकते हैं, रोज बता सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप टेबल इंसर्ट कर लेंगे। शॉर्टकट की है टेबल इंसर्ट करने का, Ctrl+F12। टेबल के प्रॉपर्टीज़ में जाके आप रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा रोज और कॉलम्स चाहिए, अगर रोज एबव चाहिए या बिलो चाहिए, या इंसर्ट कॉलम एबव एंड बिलो चाहिए, तो उस तरह आप यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। डिलीटिंग रोज एंड कॉलम कैसे, डिलीट में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर डिलीट को चूज करेंगे, रोज और डिलीट कॉलम्स, तो आप वहाँ से वो रो या वो कॉलम जो भी डिलीट करना चाहे कर सकते हैं। स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग टेबल, स्प्लिटिंग का मतलब हुआ कि अलग अलग करना या तोड़ना, मर्जिंग का मतलब हुआ मिलाना। तो अगर आपको दो टेबल को मिलाना है या दो, एक टेबल को दो टेबल में अलग करना है, तो आप स्प्लिट टेबल यूज़ करेंगे। अगर आप दो टेबल को मर्ज करके एक टेबल बनाना चाहते हैं, तो आप टू मर्ज टेबल करेंगे। कैसे जाएंगे, टेबल मेन्यू में जाके स्प्लिट टेबल करना पड़ेगा, या मर्जिंग अगर करना है तो टेबल में जाके मर्ज टेबल करना पड़ेगा। डिलीट टेबल करने के लिए टेबल में कहीं भी क्लिक करें, फिर चूज टेबल, डिलीट टेबल फ्रॉम मेनू बार, मतलब टेबल मेनू में जाके डिलीट टेबल मेनू बार में आप क्लिक कर लीजिए, तो आप वो डिलीट हो जाएगा। आप टेबल को कॉपी भी कर सकते हैं, टेबल में जाइए, सेलेक्ट कीजिए टेबल को, फिर Ctrl+C से कॉपी कीजिए, फिर अगर आपको कहीं पेस्ट करना है उसको, तो Ctrl+V से पेस्ट कर लीजिए। मूविंग अ टेबल मैंने बताया था, मूविंग का मतलब कट एंड पेस्ट, तो फिर से उसी तरह टेबल को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट टेबल से फिर Ctrl+X कीजिए और फिर आप उसको कहीं पर पेस्ट कर दीजिए। तो इसके बाद प्रिंट आ गया, लास्ट में प्रिंट कैसे करें किसी डॉक्यूमेंट को, तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू पहले देखना होता है। प्रिंट प्रीव्यू जो है एक यूज़फुल तरीका होता है, जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं कि क्या सही तरीके से ये प्रिंट होने वाला है कि नहीं। प्रीव्यू एक तरह से आपको सैम्पल दिखा देता है कि आप जब प्रिंट करेंगे तो ऐसा प्रिंट होगा। तो प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए, जैसे ये एक प्रीव्यू दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है। यूजर कैन चेक वेदर द डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड एंड एज नीडेड, सच एज इंडेंटेशन, बॉर्डर वगैरह सब सही है, वो प्रिंट प्रीव्यू में देख लीजिए। जब हो जाए तो आप यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि एक साथ एक से ज़्यादा प्रिंटर भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो सकते हैं, वो सारे प्रिंटर यहाँ पे दिखाई देंगे, तो वो प्रिंटर में से जिस प्रिंटर से आपको सेलेक्ट करना है वो प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑल पेजेस करना है तो ऑल पेजेस, या किसी पर्टिकुलर पेज को करना है तो केवल वही पेज। उसके बाद कितनी कॉपीज़ निकालनी है, नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी चाहिए, मतलब हर पेज की दो कॉपी चाहिए या एक ही कॉपी चाहिए, तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, फिर आप ओके कर दीजिए, तो इस तरीके से वो प्रिंट होकर निकल जाएगा। प्रिंट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+P, या फिर आप फाइल में जाके प्रिंट कमांड दे सकते हैं। प्रिंटिंग ऑल पेज सिंगल या मल्टीपल पेज, मल्टीपल पेज करना है तो आप रेंज इस तरह दे सकते हैं, 3 to 8, मतलब पेज नंबर 3 से पेज नंबर 8 तक ही प्रिंट होगा। तो ये चीज़ आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे ये पेजेस लिखा हुआ है यहाँ पे आप चेक क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3 to 8, तो वो तीन से पेज नंबर 3 से पेज नंबर 8 तक का करेगा। लास्ट है मेल एंड मर्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल मर्ज पहले समझते हैं क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वर्ड प्रोसेसर का। मेल मर्ज हम तब करते हैं जब हमारे पास जो कंटेंट होता है वो अलग अलग लोगों के लिए चेंज होता रहता है। जैसे अगर हम 200 लोगों को इनविटेशन भेजना चाहते हैं और अगर मेरे लेटर में कंटेंट सेम है,
जो कंटेंट पर्सन ए को भेज रहे हैं वही कंटेंट हम पर्सन बी को भेज रहे हैं, तब हमें मेल मर्ज की जरूरत नहीं है। अगर मैं लेटर की केवल बात कर रहा हूँ, जो भी लेटर हमने लिखा है, लेकिन अगर कंटेंट में मैंने स्पेसिफिकली कि उसका नाम लिखा है, मैं चाहता हूँ डियर स्टूडेंट अगर करके मैं भेजूँगा तो सारे डियर स्टूडेंट ही हैं, तो एक ही कॉपी निकलेगी और उसको मैं प्रिंट कर लूँगा, लेकिन वहाँ मुझे मेल मर्ज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक नेम लेके लेटर लिखना चाहता हूँ, जैसे डियर अभिषेक या डियर सौरभ, डियर आयुष, तो मुझे ये नेम जो है सबके लिए, हर बच्चे का स्पेसिफिक नेम है तो हर लेटर स्पेसिफिक होगा और यहाँ पे कंटेंट स्पेसिफिक टू दैट पर्सन हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे मेल मर्ज की जरूरत पड़ेगी। मेल मर्ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन वर्ड प्रोसेसर, इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ सीरीज ऑफ सेम डॉक्यूमेंट विथ मल्टीपल एड्रेसेस। तो केवल ये मल्टीपल एड्रेसेस के लिए नहीं होता है, बहुत बार लेटर भी, बहुत स्पेसिफिक लेटर अगर होता है किसी बच्चे के लिए, मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझाऊँगा कि सपोज़ कीजिए कि एक एनुअल डे है हमारे स्कूल में और मुझे पेरेंट्स को या आपको एक पेरेंट्स को इनविटेशन बना के भेजना है तो, और मैं लिख रहा हूँ डियर पेरेंट्स यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, तो ये जो लेटर है ये कॉमन टू एवरीवन है, तो यहाँ मुझे मेल मर्ज की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही प्रिंट करूंगा और उसको मैं जितने भी लोग हैं उतना कॉपीज़ निकाल लूंगा, जेरोक्स करवा लूंगा और मैं उनको लेटर भेज दूंगा। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए कि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बताना है और मुझे मेरा लेटर कुछ इस तरह का है कि डियर पेरेंट योर वार्ड, उसके बाद मुझे नेम लिखना है स्टूडेंट का, रोल नंबर दिस, एडमिशन नंबर दिस, स्कोर दिस मार्क्स इन एग्ज़ाम। अब यहाँ पे आप देखिए कि अब हर बच्चे के लिए उसका रोल नंबर, उसका नाम और उसका ये एडमिशन नंबर और उसका मार्क्स अलग अलग है, सेम तो है नहीं, पर्सन ए का अलग होगा, स्टूडेंट ए का अलग होगा, स्टूडेंट बी का अलग होगा, तो मैं एक ही का जेरोक्स करके कॉपी बना के नहीं भेज सकता, यहाँ मुझे मेल मर्ज की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हर पर्सन के लिए जो डेटा है चेंज हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मेल मर्ज कैसे किया जाता है, एक हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक मेन डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, एक डेटा सोर्स। मेन डॉक्यूमेंट में एक लेटर का पहले फॉर्मेट बनाते हैं और जहाँ जहाँ पे मुझे डेटा चाहिए, स्पेसिफिक डेटा, उस जगह पे हम उसको मर्ज करवा देते हैं। मर्ज कहाँ से करते हैं, जो डेटा सोर्स मेरा बना हुआ है, मैंने एक डेटा सोर्स बनाया, उसमें टेबुलर फॉर्म में मैंने नेम, रोल नंबर, एडमिशन नंबर और मार्क्स ऐसे लिख के टेबल बना लिया और टेबल में मैंने डेटा डाल के रखा है। अब मुझे जहाँ पे नेम चाहिए अपने मेन डॉक्यूमेंट में, वहाँ से उसमें मैं नेम को मर्ज कर लूँगा, वो जहाँ रोल नंबर चाहिए रोल नंबर को मर्ज कर लूँगा, जहाँ मुझे मार्क्स चाहिए मार्क्स को मर्ज कर लूँगा, और सेकेंड्स में जैसे ही मैं फिनिश करूँगा अपना मेल मर्ज, वैसे ही जितने डेटा सोर्स में होंगे उतने नंबर्स ऑफ लेटर्स ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप चाहे तो इस एग्जाम्पल को पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके फिर आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। और ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, आप इन क्वेश्चंस को देखते जाइए, वीडियो पॉज करके देखिएगा और आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कितनी हो गई है। तो ये दो चैप्टर तो कम्प्लीट हमने कर दिया, ये देखते जाइए क्वेश्चन पहले, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे आप, ये 50 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूनिट 4, तो यूनिट 4 तक ही पढ़ना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो यू कैन प्रिपेयर चैप्टर 1 फ्रॉम माय फर्स्ट वीडियो एंड चैप्टर 2 एंड 3 फ्रॉम दिस वीडियो। आई विल मेक द वीडियो ऑफ चैप्टर 4 टुमारो, आई बिलीव। टेक केयर, बाय बाय।